तो हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और मैं आज का वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो है टू स्ट्रोक गाड़ी का। जो भी उसका प्रॉब्लम है आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल का नाम जान लीजिए, ये है ऑटो रिक्शा ज्ञान। और ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको बहुत से वीडियो टू स्ट्रोक से लेकर फोर स्ट्रोक के छोटे मोटे वो भी टिप्स आपको देते रहता हूँ और भी देता रहूँगा। तो दोस्तों, फिलहाल मेरा नाम है अनिल बागुल और मेरे साथ रहता है इमरान, जो मेरा दोस्त है, फिटर है और बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जहाँ घूमने आया हूँ, आप देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा त्र्यंबकेश्वर से एक रिसोर्ट है, वहाँ मैं घूमने के लिए आया और एडिटिंग मेरी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल दोस्तों, टू स्ट्रोक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल गर्मी के दिन है और माइलेज एवरेज का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, बहुत से ऑटो ड्राइवर जब गाड़ी लेते तो कुछ चीज़ें का वर्क करते नहीं, जो भी वो चीज़ें उसका यूज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। और आपको उसके बारे में आज का वीडियो है। तो फिलहाल चलो दोस्तों, फिलहाल आप जिस गाड़ी का प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलते हैं, तो चलो मेरे साथ। सबसे पहले रिक्शा के पीछे जाते हैं और क्या है तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये टू स्ट्रोक गाड़ी का चॉक है, जो कैब केबल है, पूरी तरह नया है और बजाज कंपनी के ओरिजिनल है। इसकी जो MRP 144 मतलब 200 के आसपास है, और MRP कम ज़्यादा होती रहती है कंपनी की तरफ से हर स्टेट से। तो फिलहाल यही चेंज करना है, वो कैसे चेंज करना है। तो फिलहाल अभी पीछे की वायर जो इनर है उसके अंदर का जो कार्बेटर से चौक निकल दिया है, चौक वायर का पिस्टन है। तो फिलहाल इसे खोल लेते हैं दोस्तों। और इसे अच्छे दिन और ज़्यादा दिन चलने के लिए आपको क्या करना है, छोटे से बोतल में एक पेट्रोल और थोड़ा ऑयल मिक्स करके इसके अंदर डालना है, जिसके कारण इसके अंदर जंग ना लगे। बहुत से ऑटो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ये भूल जाते और हर एक चीज़ का यूज़ नहीं करते और उसके कारण ख़राब हो जाता है, या फिर छोटे बच्चे रहते हैं उसको ज़्यादा खींचते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी ऑयल और पेट्रोल का मिक्सचर है, थोड़ा उसके अंदर डाल लेना है, जिसके अंदर ये वर्क करने में आसानी हो। अभी पुरानी इनर निकाल देनी है दोस्तों, क्योंकि अपने को नया चॉक केबल इनर आउटर के साथ चेंज करना है। उसके लिए आपको इसे धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाई स्टेप निकाल लेना है। दूसरा दोस्तों, नई और पुरानी इनर आउटर को इस तरह से एक टिक्सो टेप या PVC टेप से उसको चिपका लेना है या बांध देना है, जिसके कारण खींचते समय उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। और धीरे धीरे ये काम करना है, क्योंकि बहुत से ऑटर और ये भूल जाते हैं। ज़्यादा केबल खींचने के बाद जो आउटर है वो उसके अंदर स्प्रिंग होती है वो ख़राब हो जाती है और उसके अंदर प्ले बन जाता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से और आराम से काम करना है। फिलहाल आगे का जो भी डैशबोर्ड के नीचे का पूरा सप्लाई जो निकल चुका है खोल दिया है, जिसके कारण आप लोगों को दिख सकता है स्टेयरिंग हैंडल के नीचे। तो दोस्तों, फिलहाल अभी वायर को अच्छी तरह से बांधने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा आगे पुश करना है, जिसके कारण पीछे से पुरानी केबल खींच के ये धीरे धीरे करना है। ये भी प्रोसीजर देख लेना है दोस्तों, क्योंकि इसमें कभी प्ले रह जाएगा तो फिर आपको फिर माइलेज और केबल का प्रॉब्लम हो जाएगा और एवरेज नहीं मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं, पुरानी केबल है, ये टू स्ट्रोक गाड़ी फिलहाल नहीं है, पर दोस्तों इसका वर्क अच्छी तरह से नहीं होने के कारण ये केबल ख़राब हो चुकी है। अभी फिलहाल इसको निकालने का धीरे धीरे खींचना है और आगे से एक जन से आगे आगे ढकलते रहना है, पीछे से खींचते रहना है। ये प्रोसीजर होने के बाद नई हुई केबल निकल आएंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी पुरानी ख़त्म हो गई और नई वाली खींच लेना है। तो ये अभी काम आप सबको समझ में आएगा। अभी दूसरा काम ऐसा है दोस्तों, ये जो नीचे चीज़ें पड़ी है आप देख सकते, ये चौक का पिस्टन है कार्बोरेटर के अंदर, तो उसको अच्छे से पोंछ के साफ करके रखना है, जिसके कारण ये वर्क अच्छे से करे। फिर उसको स्प्रिंग के अंदर डालने का इनर आउटर को उसको फिट करना है। ये काम कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, खाली देख एक बार दो बार देख लेने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं और गाड़ी का जो एवरेज का और माइलेज का जो काम है वो अच्छी तरह से वर्क करे। क्योंकि सुबह सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, और चौक दिन में तो आप जब भी गाड़ी प्रॉब्लम दे तभी चौक का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों अभी फिलहाल ये तो अच्छी तरह से काम पूरी तरह हो चुका है, आप समझ चुके होंगे ये काम किस तरह करना है और क्यों करना है। तो दोस्तों अभी आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत से ऑटो ड्राइवर गाड़ी चलाते तो सही है, पर ये चीज़ें भूल जाती है कि उसको करना कैसे। फिलहाल अभी आगे का डैशबोर्ड के नीचे जो पूरा डिक्की है उसको फाइबर वाली उसको बिठा लेते हैं, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है और आपको दूसरे भी वीडियो अपडेट के लिए मुझे बनाना है। तो दोस्तों अभी ये भी काम हो चुका है और चौक का काम हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो फॉलो करने के लिए आपको यूट्यूब या गूगल पर जाने के सर्च बार इंजन में जाने के बाद वहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान या फिर अनिल बागुल ये सर्च करना है, उसके बाद मेरे वीडियो लिंक
ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको मेरे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक या फिर आपको बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको मेरे आने वाले नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, ऑटो रिक्शा में आपका सभी का स्वागत है, मिलते हैं।